दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलिमिनेटर मैच में आरसीबी को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है, जबकि हार के साथ ही आरसीबी का सफर टूर्नामेंट में यही समाप्त हो गया है। वहीं मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 7 विकेट के नुकसान पर 138 रनों का स्कोर बनाया था और 139 रनों के टारगेट को केकेआर ने आखिरी ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वहीं टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत अच्छी रही। 5 ओवरों के खेल में शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने 41 रन जोड़े। इस पार्टनरशिप को पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल ने शुभमन गिल को 29 रनों पर आउट कर तोड़ा। इसके बाद युजवेंद्र चहल ने राहुल त्रिपाठी को 6 रनों पर आउट कर टीम को दूसरी सफलता दिलाई। वहीं वेंकटेश अय्यर 26 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद नीतीश राणा भी 29 रन बनाकर चहल की गेंद पर आउट हो गए। पारी के 4वें ओवर में शुभमन गिल ने जॉर्ज गार्टन के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाए थे। वहीं पहले विकेट के लिए शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने 32 गेंदों पर 41 रन जोड़े। पावर प्ले तक केकेआर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। वहीं सुनील नरेन ने अपना खाता पहली ही गेंद पर छक्के के साथ खोला था और डैनियल क्रिश्चियन के 1 ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाए। वहीं नीतीश राणा और सुनील नरेन ने 4वें विकेट के लिए 20 गेंदों पर 31 रन जोड़े। वहीं सुनील नरेन ने 15 गेंदों पर 26 रन बनाए। उनकी विकेट मोहम्मद सिराज ने चटकाई और यह उनके T20 करियर की 100वीं विकेट भी थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।